सब लोग पहले सपना राम राम। मेरी 29/9/2020 को एक राजनीतिक षड्यंत्र के कोडिंग लैब नंबर 27 ये डिपार्टमेंट हमारा केमिस्ट्री में बदली कर दी है। सिर्फ एक छोटे से इशू जो कि झूठा है, क्योंकि ना तो वो मेरी पोस्ट के अंतर्गत आता है ना ही मेरी पोस्ट है। ये रही मेरी लैब नंबर 27 जो कि बिल्कुल साफ सुथरी है जी। आप देख सकते हो हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पे है, चाहे वाशपेशन साफ़ हो, ये देख सकते हो आप, जो कि नियमित रूप से साफ़ की जा रही है। फर्श देख सकते हो आप, ये केमिकल रहे हर चीज़ में बखूबी अच्छी तरह हर कार्य किया गया है। परंतु डॉक्टर विवेक सैनी, मैडम अनुपम सहरा और साथ में प्रिंसिपल साहब जिनका नाम PS रोहिला है, वो मुझे झूठा आरोप लगा के और मुझे लिखित में दो बार धमकी दे चुके हैं कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। मैं गरीब घर का लड़का हूँ और ना ही मेरी इतनी पावर, परंतु मेरे पास सारे कागज़ हैं जिसके दम पे मैं यहाँ हूँ, परंतु ये मुझे यहाँ से हटाना चाहते हो। वह अपने किसी लेडी या किसी व्यक्ति को अपना है जो इनका, वो मेरी जगह को एडजस्ट करना चाहते हैं, जो कि गलत है। आइए आपको हम अब HOD का रूम दिखाते हैं, मतलब ऑफिस। हमारे HOD का नाम है मैडम सोनल बिश्नोई, उन पे भी ये दाब आया हुआ है कि वो भी लिख के दे प्रवीण यादव के बारे में, परंतु अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, परंतु मुझे शक है शायद वो भी लिख सकते हैं दाब की वजह से, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन उन पर बहुत दाब है। ये आप डिपार्टमेंट से देख सकते हो जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है। तो मैं ये पर्दे भी हटा देता हूँ और रोशनी का प्रबंध हो जाएगा। परंतु विवेक सैनी और डॉक्टर अनुपम सहरा, प्रिंसिपल प्रताप सिंह रोहिला, जो मुझे 2 महीने से तंग कर रहे हैं दफ्तरी की ड्यूटी होते हुए। दफ्तरी का कार्य होता है कि एग्ज़ाम सेंटर में बच्चों को साइन करवाना, आंसर बुक का रिकॉर्ड रखना, परंतु किसी कारणवश मुझ पे झूठे आरोप लगाकर मुझ पे ये कार्रवाई करना चाहते हैं ताकि अपने किसी आदमी को बिठा सके मेरी जगह। मैं कम से कम, मुझे 5.5 साल हो चुके हैं जो मेरा कार्य बहुत निष्ठापूर्वक से हुआ है, परंतु ये अब विवेक सैनी की स्पेशली विवेक सैनी है जो जो लॉजी के लेक्चरर, उनको आउटसोर्स का कन्वेनर बनाया गया, उनके आते ही ये मेरे साथ गलत व्यवहार में और गलत ही इल्ज़ाम लगा के मुझे इस कॉलेज से हटाने के साथ। आपसे निवेदन है कि आप इस शिकायत का जितना जल्दी हो सके समाधान करें, क्योंकि 1.5 साल मैंने केमिस्ट्री में विभाग में भी कार्य करे हैं, 1.5 साल मैंने जूलॉजी में भी कार्य करे और 1.5 ही साल मैंने बोटनी विभाग में गया है, परंतु जो विवेक सैनी है जूलॉजी के, ना तो इनकी एग्ज़ाम सेंटर में एज ए इन्वेस्टिगेशन पर ड्यूटी थी, हैं दूसरा मेरी दफ्तरी की ड्यूटी होते हुए, और जबकि एग्ज़ाम सेंटर में वाटरमैन है, लेकिन फिर भी जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए यह आरोप लगाया गया है। और रही मैडम अनुपमा की, उनकी उस दिन तबीयत खराब थी, अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उनको रिलीव कर देना चाहिए था सेंटर से, उनको ड्यूटी पर नहीं बुलाना चाहिए था। ये जिम्मेवारी सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की होती है, ना कि दफ्तरी की। दफ्तरी का कार्य होता है सिर्फ बच्चों को साइन कराना, आंसर बुक का ब्यौरा रखना, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से और निष्ठापूर्वक किया है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वाटरमैन है, CV पर है, लेकिन जान पूछ के मुझे टारगेट बनाए जा रहे हैं ताकि मुझसे मेरा रोजगार छीन सके। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि आप इस लोगों से मुझे बचाने का की कृपा करें। धन्यवाद।